वीडियो अच्छा नहीं आता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो वी आर अगेन लाइव फ्रॉम एनएडीटी नागपुर, नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो टुडे आई वेलकम मिस्टर शकील अहमद। थैंक यू वेरी मच। सो शकील अहमद इज एन IRS ऑफिसर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड प्रेजेंटली ही इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो काफी एस्पिरेंट से मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि सर हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसी और जॉब में है, तो जॉब के साथ समय कैसे निकाला जाए पढ़ाई करने के लिए, या फिर जॉब को क्विट करने का या ना करने का जो डायलेमा होता है, जो फैसला होता है, वो बड़ा ही अजीब होता है। कि फैमिली प्रेशर होता है, कई बार अगर कोई मैरिड है तो वो एक अलग प्रेशर होता है, एंड वो एक डर कि इंडिया में एक गवर्नमेंट जॉब लेना कितना मुश्किल है। तो शकील अहमद बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह काम कर रहे थे टिल 2014 आई थिंक। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही ब्रेव फैसला लिया, इन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी एंड ही क्विट हिज जॉब। तो वो अपने आप में वो जानने लायक है कि वो फीलिंग, वो हिम्मत कहां से आई कि ये गवर्नमेंट जॉब क्विट करी आपने और अगली एक ऐसी तैयारी जो भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है उसमें अपने आपको झोंकने की जो हिम्मत है, वो हिम्मत हम आज जानने की कोशिश करते हैं। उस तैयारी में ये शकील जी कैसे आगे बढ़े वो हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे काफी एस्पिरेंट्स को, आप लोगों को सबको एक हेल्प मिलेगी। शकील जी, सारे एस्पिरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, वेलकम टू अनअकैडमी। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, थैंक्स अनअकैडमी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं सब एस्पिरेंट्स से अभी लाइव बात कर रहा हूँ। सो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे इनहिबिशंस होते हैं पर्सनल लाइफ में, और मेरे लिए थोड़ा रास्ता मुश्किल था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन अ गवर्नमेंट जॉब एंड इन प्लेस लाइक कश्मीर टू हैव अ सिक्योर गवर्नमेंट जॉब होना वो बड़ी बात होती है। सो टू फाइट दैट आउट एक ही ड्रीम था, आई हैव टू फाइंड आउट माई ब्यूटिफुल, वहां जगह जाना है जहां मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अपना अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चूज कर लेते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। सो इट्स बेटर आप देखो कि आपके दिल को क्या अच्छा लगता है, एंड मुझे लगता है मैंने वही दिल की आवाज उस वक्त सुनी। एंड थैंकफुली टू द सपोर्ट ऑफ माई ब्रदर एंड माई फैमिली एंड ऑल दैट, माई ब्रदर इज द आइडियल, वो मेरे मेंटोर रह चुके हैं आज तक भी इस यूपीएससी प्रिपरेशन में भी, उनकी हेल्प से मैं वो जॉब छोड़ पाया। ऑल्दो देयर वॉज लॉट्स ऑफ अपोजिशन था, चाहे फैमिली, इमीडिएट मेंबर्स, फ्रेंड्स थे, इवन टू दैट एक्सटेंट जॉब में जो लोग थे वो बोले थे कहाँ जाना है। बट दिस थिंग वॉज ऑल्सो इन माई माइंड कि ऐसा भी हो सकता है कि साइड बाई साइड आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, एंड देर आर पीपल हु डू इट। एंड क्योंकि मुझे लगता है टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द वे यू यूटिलाइज दैट टाइम, आप कैसे परफॉर्मेंस लेते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो द बेस्ट आउट ऑफ दैट टाइम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता थोड़ा बहुत टू कैरी बोथ द जॉब भी हेक्टिक थी एंड फ्रॉम कश्मीर एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सो आई डिसाइडेड आई विल गो विद द फुल थ्रॉटल, विद द गन्स ब्लेजिंग जिसको बोलते हैं। मेरे पास जॉब नहीं है, आई हैव ओनली वन थिंग टू एस्पायर फॉर, दैट्स यूपीएससी। एंड मुझे लगा कि वो जो मोमेंटम था, वो जो मोमेंटम ट्रैक्शन उस वजह से आया, दैट हेल्प्ड मी टू क्वालिफाई यूपीएससी इन 2000। तो एस्पिरेंट्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो हम लोगों ने कई बार सुना है कि हर एस्पिरेंट की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन सिलेक्शन होने से पहले जो ये फैसले होते हैं ये लाइफ चेंजिंग फैसले होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप ये मत समझिए कि आपकी अनअकैडमी पे या कहीं पे भी जो भी आप इंटरव्यू इतने देखते हैं कि सारे के सारे ऐसा ही होता है, बट ऐसा नहीं, हम लोग भी एक उस फेज से निकले हैं, ठीक है। तो वो एक जानना उस फैसले की इम्पोर्टेंस और वो हिम्मत, वो आपको ऐसी कहानी सुन के जुटानी चाहिए और समझना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो आगे फिर आपने प्रीलिम्स की तैयारी कब से स्टार्ट करी शकील? जैसे मैंने बोला अक्टूबर 2014 आई लेफ्ट माई जॉब एंड नवंबर 2015 में दिल्ली आ गया। नवंबर 2015 देन आई ज्वाइन जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, तो तभी से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की। सो दैट मींस बाय दिसंबर 2014 ऑलमोस्ट मैंने तैयारी स्टार्ट की प्रीलिम्स एंड ऑल दैट, एंड द सेम ईयर 2015 आई गॉट माय सिलेक्शन। लेकिन एक चीज दिमाग में मेरे पहले ही था दैट दिस इज माय अटेम्प्ट। मुझे लगता है मेरे फेवर में सबसे ज्यादा जो चीज काम आई दैट वाज आई केप्ट द प्रोसेस सिंपल। इसीलिए मैंने टाइटल भी सिर्फ आई एम गोइंग टू डेल्व इनटू दिस कैसे सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी प्रिपरेशन। आपकी बेसिक सिंपल स्ट्रेटेजी क्या थी, तो अपन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स के लिए काफी लोगों ने आपको काफी चीजें एडवाइस करी होंगी, ऑनलाइन सोर्सेज होंगे, कोचिंग सोर्सेज होंगे, बट आपकी वो क्या स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स के लिए, तो आप जरा बताइए। प्रीलिम्स सबसे डाइसी मुझे लगता है बिकॉज आई हैव सीन पीपल फेलिंग इन प्रीलिम्स, बहुत एबल लोग होते हैं। सो यू हैव टू गेट एवरी ऑफ योर मूव राइट। मूव राइट करने के लिए एक बैलेंस तैयारी, अगर आप देखें दो चीजें होती है, कन्वेंशनल और करंट अफेयर्स, दोनों चीजों को टाइम आप अच्छे से डिवाइड कीजिए। सेकंड थिंग इज कन्वेंशनल में यू पिक अप सर्टन बेसिक बुक्स, बेसिक बुक्स में से जो भी है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है, फॉर इकोनॉमी यू हैव बेसिक
books. Similarly for history and geography, you have basic books. Wo basic books uthaiye plus match that with the current affairs. Current affairs mein you can follow any of the comprehensive coverages jo jahan pe aaj internet sources se bhi comprehensive coverage hai and baaki cheez bhi dete hain. And then newspaper. Mere liye kafi important raha newspaper because newspaper agar aap newspaper se padhte ho ab daily basis pe wo knowledge ka accumulation ho jata hai without too much of the efforts. Aapko yahi nahi lagta ki main padhne ke liye padh raha hu. You start enjoying that process. Aur mujhe lagta hai enjoying that process kafi important hai. Aur second important cheez har cheez ko context mein padhna hai. Context agar aap ek topic padh rahe ho for example history mein there are lots of topics. Mujhe lagta hai aaj ke date mein bahut kuch padhna hai lekin aap kaise relevant siphon out karoge wahan se read in the context. Agar main ye topic padh raha hu zara dekh lu 5 minute dekh lu isme se kya possible question hai usse cheezein yaad ho jayengi. Otherwise aap yaad nahi rakh paoge. Most of the time hum bahut kuch padh lete hain lekin exam ke time pe har bhi bolta are yaad hi nahi hai yaad hi nahi. So waisa se bachne ke liye read in the context questions ke context mein wo context bahut important hai. Aapko pura constitution याद होने की जरूरत नहीं है बट जो आर्टिकल जो सेक्शंस न्यूज में से अभी जीएसटी न्यूज में चल रहा है तो उसका पूरा कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट डिवाइड फाइनेंशियल डिवाइड वो सब पता होना चाहिए. तो ये कंटेक्स्ट पढ़ना कई बार हम लोग बोल चुके हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आगे फिर तो बेसिक बुक्स आपकी प्रीलिम्स के लिए वही जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत. सिंस मैंने बोला पहले ही कि मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की. बहुत सारे लोग बाकी चीज भी बोल रहे थे. लक्ष्मीकांत डीडी बासु थोड़ी बहुत मैंने रेफर की सिलेक्टिवली बिकॉज डीडी बासु इज वन ऑफ द ओरिजिनल बुक्स तो रेफर की. तो मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की. मैंने खुद को बोला अगर भाई मैं कम पढ़ लेता हूं कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं लिखने की ज्यादा कोशिश करूंगा और याद रखने की ज्यादा कोशिश. बिल्कुल बिल्कुल. और वही हुआ और मैंने सिंप्लीफाई करके कम पढ़ा लेकिन कम पढ़ने के बावजूद बहुत चीजें उसमें रिटर्न्स अच्छे रहे. रिटेंशन अच्छा रहा बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इतना कुछ पढ़ने के लिए ह्यूमनली दैट्स नॉट पॉसिबल. इतनी चीज आप याद नहीं रख सकते एट द एंड ऑफ द डे. तो मैंने वो स्ट्रैटेजी इख्तियार की. मुझे लगता है सिंप्लीफाइंग दैट फिर तो मुझे काफी हेल्प आया. बिल्कुल बिल्कुल. तो प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी को आपने कंजुगेट कैसे किया? क्या आपने अलग अलग तरीके से तैयारी करी थी या जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो प्रीलिम्स से पहले तो आप मेंस पर्सपेक्टिव से भी उसको कवर कर रहे थे? ये काफी एक जनरल क्वेश्चन है तो आप बताइए. हाँ, बिल्कुल. मुझे लगता है यूपीएससी सिंस डिफिकल्ट चीज है हर कोई बोलता है बट वंस यू क्वालिफाई फिर चीजें डिफरेंट लगती है. तो डिफिकल्ट चीज है इसके लिए थोड़ा बहुत आपको डिफरेंटली करना पड़ेगा. यू हैव टू बी बोल्ड एनफ. डरो मत इस चीज से. एंड सेकंड मुझे लगता है इसमें अपसाइड डाउन वाला ज्यादा फंडा चलता है. वंस यू डिसाइड फॉर यूपीएससी पहले आप एक आंसर ढूंढते हो मैं क्यों आना चाहता हूं. That takes you to the interview. मुझे लगता है जब भी आप अपने आप को जोंक लेते हो इस प्रोसेस में आपकी इंटरव्यू की तैयारी वहीं से स्टार्ट होती है. सिमिलरली आप ये नहीं कर सकते पहले प्रीलिम्स पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे. सो यू स्टार्ट विद मेंस. जब मैंने स्टार्ट किया पहले 3 महीने सिलेक्टिवली बहुत अच्छे से थ्रेडबेयर डिस्कस मतलब चीजें अच्छे से पढ़ी मेंस पर्सपेक्टिव से. मेंस पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाए. मेंस पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट्स पढ़े. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है उसका व्हाई उसका हाउ व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोज एंड कॉन्स वो तलाशते रहा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर आंसर्स. ये आंसर्स आपको चाहिए. तो वो सारी चीजें की. लास्ट के जो 2 मंथ्स थे उसमें मैं प्रीलिम्स मोड में चला गया. मतलब मोर और लेस फैक्ट थोड़े फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने लगा. फैक्ट्स को रिवाइज करने लगा. थोड़ा ऑब्जेक्टिव चीजें ज्यादा पढ़ने लगा. लेकिन मुझे लगा कि पहले 3 महीने मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा और उसमें मैंने सब्जेक्ट भी अपना तैयार किया. सो फर्स्ट हैव सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंस और मेंस के लिए तैयारी करो जस्ट बिफोर 2 मंथ्स फ्रॉम द प्रीलिम्स. एंटर इन द प्रीलिम्स मोड क्योंकि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है. सो दैट जब आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स के बाद सिलेक्शन हो जाती है इंशाल्लाह तो तब आप ऑलरेडी तैयार हो. बिल्कुल परफेक्ट. तब ये नहीं होना चाहिए अभी यार मैंने स्टार्ट ही नहीं किया कहां से स्टार्ट करो फिर 3 मंथ्स में पॉसिबल नहीं होता. So, पहले आपको यू हैव टू फिनिश हाफ ऑफ द जर्नी फॉर द मेंस देन ओनली गो फॉर द प्रीलिम्स. एग्जैक्टली. तो अब कुछ सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं. काफी मैं एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन देख रहा हूं. एक अभी ये क्वेश्चन आया है मिस्टर ऋषभ कंडपाल का कि आखिरी 14 दिन रह गए हैं तो इस समय कैसे कंट्रोल करा जाए. क्या नया मतलब कुछ लोग कहते हैं कि एंड तक नया पढ़ते रहते हैं तो कुछ लास्ट 4-5 टिप्स एस्पिरेंट्स को दे दीजिए फॉर लास्ट 14 डेज. फर्स्ट थिंग आई टेल यू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. एट टाइम्स ये होता है दिमाग में यार चीजें याद नहीं है. जब एग्जाम की कंडीशन आती है सारा कुछ याद आ जाता है बिकॉज एग्जाम इज अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. सो बी बोल्ड अबाउट दिस कि सारा कुछ याद है. सेकंड थिंग इज अभी एक्सटेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. जो फैक्चुअल पार्ट्स हैं उन पे थोड़ा बहुत डिवाइड एज पर ईच डे हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट एक एक डे दे दो. अब वो इन डेप्थ आपको पढ़ना नहीं है. जस्ट वो जो मेन पॉइंटर्स आपने प्रिपरेशन में हाईलाइट किए हैं पेन डाउन किए हैं वगैरह वगैरह उनको रीड करने की कोशिश करो. सी आई टेल यू वन थिंग द आइडिया शुड बी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट चाहे हिस्ट्री में है चाहे पॉलिटी में इकोनॉमी में है वो आपके दिमाग में है. बिल्कुल. लेकिन जो फैक्चुअल पार्ट है उसको आपको ब्रश करना है. सो जस्ट स्किम थ्रू दोस थिंग्स जो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है ताकि वो जो लास्ट मोमेंट पे वो जो फैक्चुअल एरर्स हो जाते हैं क्वेश्चंस में वो ना हो. बिकॉज अगर आप
एरर्स कम करोगे दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस. सो रिविजन एंड जो फैक्चुअल पॉइंट्स है उनको रिवाइज करने की कोशिश करो एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट कॉन्सेप्चुअल थिंग्स. और एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल आई से थैंकफुली नॉट थैंकफुली दैट वाज माय कॉन्शियस चॉइस. सोशियोलॉजी लिया था मैंने. तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड था या आपने जस्ट कि आपको इंटरेस्ट था इसमें सोशियोलॉजी में तो आपने इसलिए लिया? मैंने पहले भी बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की और आई हैव टोल्ड देम एवरी एंड आई रिएटरेट द सेम कि रादर देन लेटिंग द सब्जेक्ट चूज योर सब्जेक्ट. परफेक्ट. वो एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको सब्जेक्ट 1.5 साल पढ़ना है. आई हैव सीन पीपल जो सब मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन सम हाउ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सब्जेक्ट्स. दे डोंट गो इनटू द इंटरव्यू एज कॉन्फिडेंट पीपल. सो मेक श्योर वैसा सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो क्योंकि मजा भी आना चाहिए. सो एंड देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स पहले थोड़ा बहुत गो थ्रू. अगर जनरल सब्जेक्ट आपको चूज करना है ह्यूमैनिटीज में से या कोई भी आप ले सकते हो लेकिन थोड़ा बेसिक बुक्स एक दो बारी पढ़ लो. जस्ट लाइक फर्स्ट मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोचा था लेकिन फिर जब मैंने वेंट थ्रू द सोशियोलॉजी बुक्स एंड ऑल दैट एक दो सोशियोलॉजी की बुक्स पढ़ी मैंने बेसिक बुक्स मुझे लगा आई एम द पर्सन हु बिलोंग्स टू दिस सब्जेक्ट बिकॉज़ एज अ पर्सन आई एम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स जो होते हैं. तो मुझे वहां से इनपुट मिला. यही हम लोग आपसे कई बार बोलते हैं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन इज नेसेसरी. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर स्कोर्स वो नेसेसरी है बट आफ्टर दैट सिलेक्शन आपने फिल्टर आउट कर यू विल रीच टू 2-3 सब्जेक्ट्स. उनमें से वो चूज करिए जहां पे आप कंफर्टेबल हो. एंड रिगार्डिंग इंटरव्यू काफी क्वेश्चन आ रहे हैं. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको शकील की भाषा शैली और वे ऑफ एक्सप्रेशन देख के लग गया होगा कि इनके इंटरव्यू मार्क्स बहुत ही अच्छे आए होंगे. सो फॉर आवर नॉलेज ही हैज स्कोर्ड मोर देन 200 इन द इंटरव्यू. तो उसके लिए मैं एक अलग से लाइव सेशन करेंगे कि हाउ टू स्कोर मोर देन 200 इन इंटरव्यू एंड ही विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. आपको बताएंगे कि मेंस की तैयारी में स्पेसिफिक सोर्स जैसे काफी एस्पिरेंट्स इंटरनल सिक्योरिटी एथिक्स के बारे में पूछ रहे हैं तो वो हम बताएंगे. प्रीलिम्स के लिए अभी आप फोकस करिए. और जो सेशन का मतलब था वो आज ये था कि आपका फोकस बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी पे विश्वास रखते हुए विश्वास और एक बैलेंस्ड अप्रोच करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन की बैलेंस. बेसिक बुक कम पढ़ें लेकिन लंबा याद रहे. लंबा याद ठीक है. तो आखिरी में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग पूछेंगे. या हाउ यू प्रिपेयर फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस. तो बताइए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो जैसे करंट अफेयर से कोई भी चीज आती है ट्राई टू इंटीग्रेट दैट विद कन्वेंशनल साइड. कन्वेंशनल बुक्स हमेशा कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए अच्छा होता है. और सी हम क्या करते हैं एट टाइम्स हम सिलोज में पढ़ते हैं. जो चीज करंट अफेयर्स में आ रही है अगर उसका लिंक किसी कन्वेंशनल चीज से बन रहा है मेक श्योर आप तभी वो पढ़ो. बिल्कुल. हाफ हार्टेड एफर्ट या हाफ बेक्ड कोई भी ब्रेड अच्छा नहीं होता. अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी फ्रॉम द बेसिक बुक्स चाहे बहुत सारे सोर्सेज भी हैं ओपन सोर्सेज भी हैं और बेसिक बुक्स पे भी जाओ जहां से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी. एंड ट्राई एंड एवरी नाउ एंड देन लिंक दोस विद करंट हैपनिंग्स जो भी हो रही है उससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते रहेगा. हैव बेसिक्स एंड लिंक विद दैट करंट अफेयर्स. तो आप एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इकोनॉमी का सोर्स क्या रहा है आपकी पढ़ाई में अब तक प्री और मेंस के लिए. प्री और मेंस के लिए मैंने पर्सनली श्रीराम्स का एक मैनुअल था आई चोज दैट. वो भी पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए प्लस करंट अफेयर्स में से जो करंट अफेयर्स एवरी मतलब करंट अफेयर्स इज फुल ऑफ इकोनॉमी थिंग्स. तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए बिजनेस पेज इकोनॉमी पेज अच्छे से पढ़िए. एंड सेकंड गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस बहुत सारी आती हैं जस्ट लाइक इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज डेटा वाइज. डेटा उतना याद नहीं रखने की जरूरत नहीं हैव एन आइडिया अबाउट द डेटा बिकॉज वो यूज होता है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ऑल्सो भी काफी यूज होता है. एंड गवर्नमेंट जो इकोनॉमी में सारी डेवलपमेंट बजट पॉलिसी मेकिंग वहां से मुझे लगता है दैट्स मोर देन एनफ. हैव वन बेसिक सोर्स एंड देन स्ट्रेंथन दैट विद ऑल दीज गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस एंड करंट अफेयर्स. ठीक है. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी साथ साथ में कैसी करी जाए आपकी खुद की स्ट्रेटेजी जो पूरा सिलेबस कवर कर रही है आप उस पर भरोसा रखिए. और जो स्टैटिक पोर्शन है उसको करंट से रिलेट करिए उसी के बेसिस पे आप पढ़िए. रिटेंशन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे शकील ने विशेष ध्यान दिया वो जरूरी है. और सबसे ज्यादा बात जो शकील ने बार बार बोला कि यू हैव टू यू नो डिवोट योर सेल्फ टू दिस एग्जामिनेशन. एक बिलोंगिंगनेस होगी तभी उस जर्नी के साथ आप कंटिन्यू कर पाएंगे. आई होप आई एम राइट. आई पुट इट दिस वे यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. एंजॉय द प्रोसेस क्योंकि ये बहुत कुछ देता है आपको. आप देख लो इतने एरुडाइट बनोगे आप इतने नॉलेजेबल बनोगे आप. एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस. जब नया कोई कॉन्सेप्ट समझ आए टेक प्राइड इन दिस. आज यार ये सीखा है व्हाई नॉट दिस इज योर्स. तो ऐसे स्टोरी बनती है.
सो थैंक यू गाइज, अगले सेशन में आपसे मुलाकात होती है। आई नो इंटरनेट थोड़ा सा खराब है, प्लीज बियर विद अस, अगली बार आई होप काफी अच्छा होगा। तो शकील कुछ आखिरी शब्द बच्चों के लिए? लास्ट पे मैं ये बोलूंगा, मैं फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ आई कैन डू इट, आई थिंक एनीबॉडी इन ऑन दिस अर्थ इन इंडिया स्पेशली कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड यू हैव बिलीफ, यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर साइड एंड कीप इट सिंपल। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट।